Asalaamu Alaikum and good evening, all. I hope you are doing good. Welcome again in this tutorial. Now, we are going to learn about monosaccharides. Now, the content section we are going to discuss in this lecture is the introduction of monosaccharides. Their classification, structure of some important monosaccharides, properties, and functions also. So let's begin. In introduction part, the name monosaccharide itself suggests that mono means single and saccharide means a sugar. So these are the sugars which just have a single unit. Now, they are the simplest sugar as they have just one unit. They are the simple sugar and they have the single unit of what? Polyhydroxy aldehyde or polyhydroxy ketone. These two are the functional groups. Okay. Now, here the structure itself says like we have the aldehyde group and we have the ketone group. See, this is the C.

तो दे आर पॉलीहाइड्रॉक्स कि इनके स्ट्रक्चर में बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे बट दिस इज जस्ट वन टाइप ऑफ शुगर एंड दिस इज अनदर टाइप ऑफ शुगर तो इस वाले शुगर क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है सो दिस इज एल्डोज शुगर क्योंकि इसमें कीटोनिक ग्रुप है सो so ये कीटोज शुगर है ठीक है दिज एज दे आर द सिंपलेस्ट एंड दे हैव दे आर जस्ट वन यूनिट दीज आर सेट टू बी नॉन डिविजबल यानी इनको फर्दर हम डिवाइड फ़र्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते यानी एक ग्लूकोज अगर एक ग्लूकोज़ यूनिट है इसको मैं ब्रेक करूँगा इससे दो ग्लूकोज़ बन जाएंगे ऐसा नहीं होता हाँ जब हम देखते कि जो बड़े साइज़ के शुगर्स होंगे जब वो आगे मेटाबॉलिक प्रोसेस में गुजरते हैं वो स्प्लिट होकर छोटे छोटे शुगर्स बना सकते हैं बट अपने आप को वापस नहीं बना सकते ग्लूकोज़ यूनिट से दो ग्लूकोज़ यूनिट्स नहीं बनेंगे ना दिज हैव द प्रॉपर्टी लाइक दे आर कलरलेस इनका कोई कलर नहीं होता फिक्स कोई कलर नहीं होता दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड सॉलिड इनका नेचर होता है फेस सॉलिड इनका होता है एंड दे हैव द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी लाइक दे आर सॉलेबल इन वाटर दिस इज द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि ये पानी में डिजॉल्व हो जाता है ठीक है क्योंकि पानी एक पोलर लिक्विड है तो ये पानी में डिज़ोल्व होंगे अगर हमारे पास नॉन पोलर लिक्विड्स होंगे लाइक हमारे पास ईथर होगा बेंजीन होगा एसीटोन होगा उनमें ये वाले जो है शुगर्स डिज़ोल्व नहीं होते ओके पानी में इजीली डिज़ोल्व होते हैं मोनोसाकराइड्स ओके नाउ यू कैन सी देर आर लॉट ऑफ कार्बन दिस इज़ कार्बन बैकबोन ये है, इनकी कार्बन बैकबोन है ठीक है इस कार्बन बैकबोन के साथ ही अटैच होते हैं बाकी ठीक है बाकी, बाकी ग्रुप्स इसी के साथ अटैच होंगे आप देख रहे हो कि इन पर नंबरिंग भी की हुई है फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट होकर लास्ट के कार्बन तक नंबरिंग की होती है यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि ग्रेटर देन फोर कार्बन जिस शुगर के होंगे बैकबोन जिसकी इतनी बड़ी होगी दे टेंड टू तो एज्यूम साइक्लिक स्ट्रक्चर कि इनका जो है स्ट्रक्चर ऐसा लीनियर वाला स्ट्रक्चर नहीं रहता ये इनका जो है लीनियर स्ट्रक्चर है कि लीनियर स्ट्रक्चर इनका नहीं रहता ये साइक्लिक स्ट्रक्चर एज्यूम करते हैं लाइक दिस क्योंकि ये जो है हमारा बीटा डी ग्लूकोज है ये थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट है हायर क्लासेस में एंड आई एम गोइंग टू अपलोड दैट वीडियो आल्सो कि इनका स्ट्रक्चर हैमी एसिटल हेमिकीटल कैसे बनता है ये बीटा क्या होता है डी क्या होता है ये मैं उसमें डिस्कस करूंगा तो इनका जो है ये एज्यूम करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर इन एक्वस सोल्यूशन कि जब इनको हम पानी में डिजोल्व करेंगे एक्वस, एक्वा मीन्स वाटर जब इनको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो लीनियर स्ट्रक्चर नहीं रहता वहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर इनका बन जाता है कि यहाँ पे एक ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है यहाँ पे और ये है हमारा बीटा डी फ्रुक्टोज ठीक है तो ये इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है क्योंकि इनके छः कार्बन है दे आर हैगजोस ना फॉर्मूला इनका सी एन एच टू एन ओ एन रहता है ऑल मोनोसाकराइड्स सारे के सारे ऑलमोस्ट ऑल मोनोसाकराइड्स एंड हैव नेम्स एंडिंग विद सफिक्स ओस यानी जितने भी आप मोनोसाकराइड्स या डाइसैक्राइड देखोगे ऑलमोस्ट ऑल सारे के सारे नहीं कह सकता मैं कि एक्सेप्शन ऑलवेज एग्जिस्ट इन बायोलॉजी एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि सारे के सारे जितने भी ग्लूकोज फ्रुक्टोज ग्यूलोस ठीक है गैलेक्टोस सुक्रोज जितने भी आप लोगे तो ओस में ये एंड इनके नाम जो है इनका सफिक्स लास्ट में ओस लगता है तो मोस्ट अबंडेंट हमारे पास जो मोनोसक्राइड है नेचर में वो हमारे पास ग्लूकोज है जिसको कभी कभी डेक्स्ट्रोस भी कहते हैं तो कुछ कॉमन मोनोसैक्राइड्स है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जिसके कार्बन थ्री होंगे यानी तीन कार्बन वाला इसको हम ट्रायोस कहते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ग्लिसरेल्डिहाइड तो फाइव कार्बन वाला अगर होगा कोई तो ये पेंटोस है पांच कार्बन वाला है ठीक है हमारे पास इंपॉर्टेंट है राइबोस यानी आर एन में ये वाला शुगर होता है राइबोस और डी ये डी वाला शुगर है ठीक है अगर हमारे पास सिक्स कार्बन वाला शुगर तो इसको हम हैगजोस कहते हैं इसमें हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कॉमन एग्ज़ाम्पल जो एबंडेंटली पाए जाते हैं इसमें ग्लूकोज पहले फ्रुक्टोस ये भी सिक्स कार्बन वाला और गैलेक्टोज मैनोज बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ना क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसाकराइड्स यानी मोनोसाकराइड्स को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं मोनोसेक्रेट सर क्लासीफाइड बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप इनके फंक्शनल ग्रुप को देख के जैसे हमने अभी एलडीहाइड और कीटोनिक ग्रुप दिखाया था इनके स्ट्रक्चर में होता है डेफिनेटली और बहुत सारे हाइड्रोक्सल ग्रुप होते हैं एंड नंबर ऑफ कार्बन यानी इनके पास कार्बन कितने होंगे तो फंक्शनल ग्रुप को देख के इनको क्लासीफाई किया जाता है और नंबर ऑफ कार्बन को देख के इनकी क्लासीफाई फंक्शनल ग्रुप इनका एल्डीहाइड होता है या कीटोन होता है और कार्बन नंबर क्योंकि हमारा C3 थ्री से स्टार्ट होता है यानी सबसे छोटा जो है सबसे सिंपल वाला शुगर जो है उसमें तीन कार्बन होंगे तो इसमें एल्डोस जो शुगर है हमारे पास ग्लिसरलडिहाइड यानी इसमें एल्डिहाइडिक इसमें एल्डिहाइड होता है इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होगा और ये डाईहाइड्रॉक्स एसिटून ये इसमें एग्जाम्पल है कीटोस का कीटो शुगर डाईहाइड्रॉक्स एसिटून और ग्लिसलडीहाइड एल्डोस शुगर है हमारा सी थ्री में ठीक है और टेट्रोस में एरिथ्रोस एरुथ्रुलोस ठीक है और पेंटोस में हमारा राइबोस ये इंपॉर्टेंट है ये इम्पॉर्टेंट याद रखें पेंटोस में मैनी पाँच कार्बन राइबोस और रेबलोस ठीक है और हैगजोस भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास एल्डोस वाला हमारा ग्लूकोस होता है और कीटोस वाला हमारे पास फ्रुक्टोस होता है और हेप्टोस जो है हमारा उतना ज़्यादा ही रेयर होता है ये ग्लूको होता है और सीडो होता है ठीक है ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं नाउ कमिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सम इम्पॉर्टेंट मोनोसैकेराइड्स कुछ इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड्स हैं हमारे पास जैसे हमारे पास सी थ्री शुगर है यानी वो शुगर जिनके पास तीन कार्बन होंगे जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है ग्लिसरेलडिहाइड यानी ग्लिसरेल एक एक एलडीहाइड इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो एल्डीहाइड आप देख रहे हैं यहाँ पे सी एच ओ याद रखें आप ये एल्डीहाइड के लिए है ठीक है तो सी ये है सी इसका कार्बन वन ये कार्बन टू ये कार्बन थ्री है तो पहले वाले यूनिट पे इसको ये अटैच है ये ग्लिसर है ये एल्डो एल्डो है और ट्राइस है ऐसे डाईहाइड्रॉक्स एसिड अभी नगजाम्पल पढ़ा हमने इसको फंक्शनल ग्रुप कीटोनिक है और वो बीच में है तो एक डाइड्रॉक्स ट्रायोस है C5 शुगर यानी वो शुगर जिनके पास पांच कार्बन होंगे पांच कार्बन में इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमारे पास है राइबोस ठीक है डी राइबोस ये एल्डो पेंटोस क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है देखो सी एच ओ एल्टीहाइड्रिक ग्रुप है एक और शुगर की एग्जाम्पल है वो भी पेंटोस है उसमें भी एलडीहाइड्रिक ग्रुप है बट वट इज द डिफरेंस सी द डिफरेंस इज ऑन कार्बन नंबर वन दिस इज टू दिस इज थ्री दिस इज फोर एंड दिस इज फाइव वन टू थ्री फोर एंड फाइव डिफरेंस इज ऑन कार्बन नंबर टू इस वाले इस वाले में जो सेकेंड वाला है यहाँ पे इसमें जो है एक ऑक्सीजन नहीं है सो so, ये इंपॉर्टेंट राइबोस बनता है इसको हम कहते हैं टू डी ऑक्सी क्योंकि टू कार्बन नंबर टू पे ऑक्सीजन नहीं है इसको हम कहते हैं टू डी ऑक्सी डी राइबोस ये राइबोस है बट इसके कार्बन नंबर टू पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनता है और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट शुगर्स है ये हमारा आर एन ए में प्रेजेंट होता है और राइबो न्यूक्लिक एसिड बनता है ना और ये हमारा डी एन ए प्रेजेंट होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड तो ये न्यूक्लिक एसिड्स में हमें प्रेजेंट होता है नाउ कार्बन सिक्स शुगर इसमें हमारा इम्पॉर्टेंट है ग्लूकोज ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बहुत आसान याद रखना है आप याद रखो कि ग्लूकोज जो है वो एल्डो हैगजोस होता है यानी हेक्स मीन सिक्स इसमें सिक्स कार्बन होंगे वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स पहले आप याद रखिए सारे के सारे एल्डिहाइडिक ग्रुप जो होता है फंक्शनल ग्रुप वो टर्मिनस पे होता है ठीक है शुगर जो इम्पॉर्टेंट है हमारे पास मोनोसेक्राइड वो ग्लूकोज़ है ग्लूकोज के C3 पे आप देखो C3 पे देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड में होता है ग्लूकोज में लेफ्ट साइड में होता है तो ये याद रखना है ये ट्रिक है इसमें याद रखने के लिए तो ये बाकी जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट right साइड में आप देखोगे हमारे पास है एक कीटोहैक्स यानी वो कीटोनिक इसमें फंक्शनल ग्रुप है देखो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप कभी टेमिनस पे नहीं होता वो बीच में कहीं होता है ठीक है क्योंकि कार्बन को दोनों साइड से कार्बन अटैच होनी ये कार्बोनिल कार्बन कहलाता है ठीक इसको दोनों साइड से कार्बन अटैच होने चाहिए तो हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है फ्रुक्टोज ठीक है ना कुछ प्रॉपर्टीज है और कुछ फंक्शंस है हमारे मोनोसाकराइड्स के स्टार्टिंग विद द ग्लूकोज ग्लूकोज एज यू सी दिस इज़ नोन एज ऐ शुगर ऑफ अर बॉडी हमारे बॉडी में हमारे ब्लड में दौड़ता है बहुत इम्पॉर्टेंट है इनर्ट होता है उतना ज़्यादा जो है हमें हमारी ऑस्मोलेरिटी नहीं बढ़ाता हायर कॉन्सेप्ट है ये आपको याद रखें शुगर ऑफ द बॉडी है ये इम्पॉर्टेंट है पूछा जा सकता है कि नॉर्मल लेवल क्या होती है हमारे ब्लड में ग्लूकोज की एटी टू वन हंड्रेड एम जी मिलीग्राम पर हंड्रेड एम एल हंड्रेड एम एल ब्लड में इतना होना चाहिए नाव अल्टीमेट सोर्स ऑफ एटीपी जो है हमारा ग्लूकोज है क्योंकि ग्लूकोज़ ही हमारा जो है मेटाबॉलिज्म uh, में चला जाता है आगे जैसे में और क्रेपसाइकल में टीसीए में इसके सारे इंटरमीडिएट चले जाते हैं लास्ट में हमें एटीपी मिल जाता है ग्लूकोज जब पॉलीमराइज हो जाता है पॉलीमराइज मींस ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट्स एक दूसरे के साथ मिलके पॉलीमर बनाएंगे बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे जैसे हमारे पास सैल्यूलोस एक मैक्रो मॉलिक्यूल है ठीक है स्टार्च एक मैक्रो मोलिक्यूल है ग्लाइकोजन एक मैक्रो है तो ये सारे के सारे ग्लूकोज़ से ही बने होते हैं ग्लूकोज़ जुड़ जुड़ के ये वाले बड़े माइक्रोमोलिक्यूल जिनको हम पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज़ कहते हैं नाउ फ्रुक्टोज़ फ्रुक्टोज़ का हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं तो ये स्वीटेस्ट शुगर होता है नेचर में सबसे नेचुरल शुगर्स में सबसे स्वीट होता है ये फ्रूट शुगर नाउ दिस इज़ प्रेजेंट इन फ्रूट जूसेस एंड हनी एंड जो हमारा शुगर केन है जो इस इसको हम शुगर केन को स्क्रोस कहते हैं ठीक है ठीके? ये दो चीज़ों का बना होता है फ्रुक्टोज एंड एंड ग्लूकोज को मिला के यानी इसमें भी हमारा फ्रूट शुगर होता है देखो ये एक डाइ है गैलेक्टोस गैलेक्टोस को हम ब्रेन शुगर कहते हैं यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रेन की ग्रोथ के लिए और हमारा जो वहाँ पे जो हमारे न्यूरॉन्स है क्योंकि उनमें बहुत सारे ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन जो हमारे सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बनाते हैं एक्जोप्लाजिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है गैलेक्टोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़ किया जाता है वहाँ पर नाउ राइबोस एंड डी ये भी मोनोसाकराइड्स है जैसे हमने अभी देखा कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है ना तो ये डीएनए वाला है राइबो न्यूक्लिक एसिड आर एन ए वाला है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हाँ आई एम गोइंग टू अपलोड अ कंप्लीट वीडियो ऑन दिस टॉपिक लाइक रेडियोसिंग शुगर्स एंड नॉन रेडियो शुगर्स की बात बातें ये बात आप याद रखें कि सारे के सारे ऑल ऑलमोस्ट ऑल हैव फ्री एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप इनके जो एल्डिहाइडिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप ये जो है ये फ्री हो गए जब ये फ्री होंगे दे आर एबल टू रेड्यूस कि ये रेड्यूस कर सकते हैं यानी ये क्या कर सकते किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं जब किसी को कॉपर टू पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका एक पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है यानी दे आर एबल टू रिड्यूस अदर थिंग्स लाइक बेनेडिक्स सोल्यूशन को बारफोर्ड जो है औ, और फैलिंग्स टेस्ट में यूज़ किया जाता है रिड्यूसिंग शुगर्स को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं Happy learning! I hope you enjoyed this lecture. If you have some doubt, if you have questions regarding the topic, or any query, please mention that in the comment box. Thank you so much for joining me. If you enjoyed the video, please hit the like button, share this video with other students, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much, guys.